फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी। To subscribe and never forget to click on the bell icon to get notification of the latest video. फ्रेंड्स, अगर आप जी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कंटेंट होता है जो कि जी टेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये बीएड के स्टूडेंट्स को जो होते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है जो कि सी टेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्लूम कौन थे, उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी कब दी थी, इसमें कौन कौन से डोमेन थे और डोमेन क्या एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के यही पूछे जाते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के ही ऊपर है। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, उसमें कितने डोमेन आते हैं, उन डोमेन का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, इसमें हम समझेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1956 में एक सेट डेवलप किया था जिसमें तीन हायर मॉडल थे। इसके अंदर उन्होंने क्लासिफाई किया था एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, तीन लेवल में आइडेंटिफाई किया था, कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी में। इसके अंदर उन्होंने एक हायर मॉडल बनाया था जिसके अंदर उन्होंने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के तीन डोमेन थे, इनको एक्सप्लेन किया था। इनकी पूरी टैक्सोनॉमी जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, वो इन तीन कॉग्निटिव डोमेन पे एक्सप्लेन की जाती है जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन क्या होता है। इसमें हमने बताया कि कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन के अंदर भी और कौन कौन से डोमेन हैं जो इनके अंदर इंक्लूड्स होते हैं। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इन सारे डोमेन में हम बताते हैं कि किस तरह से एक स्टूडेंट नॉलेज गेन करता है, उनकी एप्लीकेशन किस तरह से होती है, किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, फिर सिंथेसिस होता है, उसके बाद पूरी नॉलेज गेन करने के बाद उसका किस तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये सब कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। हम बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की। साइकोमोटर डोमेन में आता है रिफ्लेक्सिव मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, परपेचुअल मूवमेंट्स, फिजिकल एबिलिटी, स्किल मूवमेंट्स, नॉन डिस्कर्सिव मूवमेंट्स। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स के जो मूवमेंट होते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि उनके एबिलिटी, उनके फिजिकल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी स्किल किस तरह से इम्प्रूव हो रही है, उनका रिफ्लेक्सिव मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, उनकी स्किल किस तरह से डेवलप हो रही है। अफेक्टिव डोमेन में हम बात करते हैं रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स की। रिसीविंग में हम ये बताते हैं कि जब बच्चा कुछ भी लर्न करता है तो किस तरह से रिसीव कर रहा है, उसको अपने बिहेवियर में किस तरह से ले रहा है, फिर उस पर रेस्पॉन्ड किस तरह से कर रहा है वो, उसको कितना समझ में आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, उसको समझाने पर उसकी कुछ वैल्यू हो रही है नहीं, तो ये सारा हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन में आप देख रहे हैं कि मेंटल स्किल पे फोकस किया जाता है जिसमें इंडिविजुअल पर्सन जो होता है वो लोअर लेवल से हायर लेवल तक उसकी स्किल डेवलप होती है। मतलब कोई बच्चा है उसको किसी भी कंटेंट पर कोई भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल लोअर लेवल पर है वो, वहाँ पे उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन की जाती है चीजें तो वो हायर लेवल पर पहुँचता है। फिर अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन हमारा फीलिंग और इमोशनल एरिया से रिलेटेड होता है। इसके अंदर एक इंडिविजुअल का इंस्ट्रक्शन किया जाता है सोसाइटी से उसके इम्पोर्टेंट रोल को लेके। तो इसमें एक इंडिविजुअल का सोसाइटी से इंटर कनेक्शन दिखाया जाता है कि किस तरह से उसका सोसाइटी के लिए उसकी जो नॉलेज है वो डेवलप की हो रही है, उसकी फीलिंग किस तरह से डेवलप हो रही है, सॉरी। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में हम मैनुअल और फिजिकल स्किल एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर उसके बिहेवियर, इंडिविजुअल के बिहेवियर किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसके फिजिकल एनवायरनमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है, उसके नॉलेज गेन करने से ये साइकोमोटर में एक्सप्लेन किया जाता है। साइकोमोटर हम इसलिए भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है वो उस नॉलेज को अपने रियल लाइफ में किस तरह से एप्लीकेबल कर रहा है, तो ये साइकोमोटर का पार्ट होता है। हम बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के रिवाइज पार्ट की। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो हमारा वो रिवाइज हुआ था, हम बात करेंगे वो क्यों रिवाइज हुआ था, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो ये 2001 में रिवाइज हुआ था, इसको डेवलप किया था लॉरेन एंडरसन ने जो कि फॉर्मर स्टूडेंट थे ब्लूम के। इन्होंने
क्रॉथवॉल के साथ इसको डेवलप किया था। ये दो ग्राफ हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज करने पे क्या क्या चेंजेस आए। ये हमारा ओल्ड है, ये हमारा न्यू वाला रिवीजन पार्ट है। इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक्सप्लेन किए गए हैं, कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं। इसको हम नीचे से पढ़ते हैं, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस के बाद में हमारा इवेल्यूशन पार्ट आता है, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि इवेल्यूशन को हमने लास्ट से सेकेंड पार्ट पर रख दिया है। तो इसमें करते हैं हम रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस एंड इवेल्यूशन। लास्ट में इसका आता है क्रिएटिंग। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का रिवाइज पार्ट था 2001 का, जिसमें कि हमने देखा कि जो ओल्ड में जो इवेल्यूशन लास्ट पॉइंट था, वो हमने न्यू जो इसका थ्योरी बनी उसमें जो लास्ट पॉइंट था उसको हमने सेकंड लास्ट कर दिया, और हमारा फिर न्यू पॉइंट निकल कर आया क्रिएटिंग। तो इसमें स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी, मतलब उनकी क्रिएटिव नॉलेज जो होती है उसको डेवलप करना, कि आप जो भी उन्हें समझा रहे हो उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा कर उसको किस तरह से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी किस चीज़ में नहीं दिखाएंगे, तब तक वो ठीक से उस चीज़ को समझ नहीं सकते। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये तीन डोमेन हैं, इन तीनों डोमेन के थ्रू किसी भी स्टूडेंट्स को हम इजीली समझा सकते हैं। कॉग्निटिव डोमेन के थ्रू हम उनके मेंटल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि वो लोअर लेवल से हायर लेवल पर पहुंच पाए। फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेन किए थे अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो तीन डोमेन पर ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है फोकस की जाती है। इसमें स्टूडेंट्स को ये बताया, ये डेवलप किया जाता है उनके स्किल्स को, कि जो भी नॉलेज उन्हें मिल रही है उसको वो अपने रियल लाइफ में किस तरह से इम्प्रूव मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उन्हें बता रहे हैं कि किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं, तो अगर फ्यूचर में जाके अगर वो अपनी कंपनी सेटअप करेंगे तो उन्हें पता होगा कि इस तरह से सेटअप किया जाता है, इस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, इस तरह से प्रोसीजर होता है, तो वो उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो थी ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।